आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। मैं ये अनाउंस करना चाहता हूं कि जो हमारी ये फ्री फ्री क्लासेस हैं, रात को 10 बजे होती हैं, डेली क्लास होती है। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को या जूम क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जूम क्लास का जो लिंक है वहां पे पोस्ट हो जाता है। ठीक है, आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बुध और जेमिनाई के ऊपर। हमारा जो आज का फोकस रहेगा कि बुध का अगर दूसरे प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन होता है या कोई योग बनता है, तो किस तरह के रिजल्ट्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। ठीक है, उसमें जो प्रमुखता पे हमारी कल चर्चा हो रही थी, तो मैंने ये बताया था कि मंगल और बुध का अगर कोई कंबिनेशन होता है और एजुकेशन का ब्रेक हो जाता है, तो कल एक क्वेश्चन आया था कि एजुकेशन का ब्रेक जो है वो कंप्लीट ब्रेक जो है वो किन परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि ब्रेक ही लग गया, मतलब ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक ही लग गया, है ना? ठीक फुल है, स्टॉप ही हो गया, फुल स्टॉप ही हो तो गया। ये क्वेश्चन आया था, ये किसने पूछा था? ये सर मैंने पूछा जी था। ज्योति जी, देखिए, जब मंगल और बुध साथ में है तो एजुकेशन हमेशा ये नहीं होता कि मतलब एजुकेशन के लिए स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, ब्रेक हो सकता है, बट आप हमेशा हम इसको ये नहीं कह सकते ब्लाइंडली कि एजुकेशन में ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी कॉम्बिनेशन के एक घर पहले एक घर बाद में केतु हो, राहु हो, शनि हो, त्रिकोण में शनि हो, त्रिकोण में राहु हो, त्रिकोण में स्पेशली अगर केतु हो, तो एजुकेशन में ब्रेक लगेगा और पक्का ब्रेक भी लग सकता है। सर हो अगर त्रिकोण में राहु हो तो तो पक्का ब्रेक लग सकता है। स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि किसी भी वजह से ब्रेक लग सकता है। मैलेफिक इन्फ्लुएंस, देखिए, जब दो विपरीत शक्तियां आपस में योग बनाकर बैठी हैं, उसमें अगर एक और विपरीत शक्ति वाली पार्टी ऐड हो गई, ठीक है, तो वो नेगेटिव साइड पक्का होगी, उसकी उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल और बुध हैं, बृहस्पति ने देख लिया, अब वो स्टूडियस है, ब्रेक नहीं लगा है, वो इंजीनियरिंग लाइन में चला गया। अब मंगल और बुध हैं और केतु त्रिकोण में आ गया, ब्रेक लग गया। अब यहां तीनों ही एंटी पार्टियां आ गई, दो लोगों का झगड़ा होता है तो उसके नेगेटिव रिजल्ट होते हैं। हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिविटी कम हो, लेकिन अगर सारी आपस में झगड़े वाले इकट्ठे हो जाएं, तीसरा और आ जाए कि सपोर्ट में आ जाए, तो नेगेटिव चीज ज्यादा होगी, होने के चांसेस हो जाएंगे ना, बिल्कुल है ना? सर, ठीक है ना, तो और उसका प्रोमिनेंट हो जाएगा कि हाँ ये चीज जो है नेगेटिव हो सकती है। अब हम चीजों को डायग्राम के हिसाब से क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपसे शेयर करता हूं स्क्रीन। ठीक है, यहां पर देखिए, अरे बहन, हाँ ये आ गया। अब देखिए, हमने इसी कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया है। ठीक है, अब ये एक ही घर में भी हो सकते हैं। अब जो ये थोड़ा सा कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, है ना, जो केतु है ये यहां से अगर 12वें में बैठा हो तो भी ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। केतु यहां इस कॉम्बिनेशन से, मार्स और बुध के कॉम्बिनेशन से, सेकंड हाउस में चला जाए तो भी ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब दो एंटी पार्टियां हैं। एजुकेशन का कार्क जो है वो बुध है। मंगल को भृगु नंदीनाड़ी में डेस्टिनी ब्रेकर भी बोला गया है। डेस्टिनी ब्रेकर कि कोई जो चीज की डेस्टिनी है उसमें कोई ब्रेक दे देना,
उसमें अवरोध पैदा कर देना, उसको तहस नहस कर देना, ठीक है। और केतु देखो डिटैचमेंट का कारक है, तो एजुकेशन जो है और भी चीजों में प्रॉब्लम करेगा जो हमने कल डिस्कस की थी, तो यहां पर केतु डिटैच कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर कोई शुभ प्लेनेट की दृष्टि आ जाती है, कोई शुभ प्लेनेट आ जाता है, तो उसका जो कोर्स ऑफ प्रडिक्शन है वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है वो संस्कृत में बहुत ज्यादा, मान ली बृहस्पति का आ गया, वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, संस्कृत को सीखना चाहते हैं, डिजाइनिंग में चले गए, आर्किटेक्चर में चले गए, ये चीजें हो सकती है ना, चेंज हो गया। एक प्लैनेट का जो इन्वॉल्वमेंट है उसने प्रडिक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। ये चीज आपको बहुत इतनी डिटेल में ये चीज नहीं बताई जाएगी। बुध बुध मार्स है, केतु इन्वॉल्व हो गया, एजुकेशन में ब्रेक होगी, चलो जी काम खत्म। हर केस में आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। आप देखिए, आपने होरोस्कोप्स देखे होंगे, आप उनको जो रिमाइंड कीजिए, आप देखिए कि ऐसा गलत भी होता है। केतु का अपना भी एक रोल है, जो डिजाइनिंग में है वहां भी केतु का रोल है, जो आर्किटेक्टर है वहां केतु का एक प्रोमिनेंट रोल है। अगर इनमें कोई ग्रहस्थ हो तो जैसे मार्स अस्त हो गया, तो हैं जी यार, अगर इनमें मान लो देखो मार्स अस्त जब हम हो। अस्त पे आएंगे तो हम अस्त की बात करेंगे, अच्छा अभी अच्छा आप ठीक यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो मटर पनीर है पे, जब ठीक गोभी बनेगी तब गोभी की बात होगी, है। ओके सर है ना। हम जो ठीक अभी अभी इस पल में हो रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, जी सर। ओके ठीक है। जब सूर्य आ जाएगा तो उसके रिजल्ट अलग से चेंज हो जाएंगे, सूर्य फेम भी है ना, और भी बहुत चीजें हो जाएंगी, ठीक है। फिर अभी आप देखें कि अगर मार्स मरकरी जो बुध है उनके ट्राइन में जो है वो केतु अगर आ रहा है, तो जातक का जो इंटरेस्ट है वो एनजीओ की तरफ हो सकता है ना, कि मार्स और बुध जो है, आप अगर जेमिनाई साइन की हम बात कर रहे हैं, मार्स उसका कारक है, बुध जो है उसकी राशि आती है, और जेमिनाई जो साइन है वो आपके यहां पर इन नंबर्स के ऊपर मत जाएं, ये आपको कंफ्यूज कर देंगे, है ना। ये मैंने एक कुंडली उठा ली उसके ऊपर चीज समझा रहा हूं कि त्रिकोण का कनेक्शन कैसे बन रहा है, कल इसी में कंफ्यूजन हो रही थी, ठीक है। तो हम अगर मतलब मार्स है साथ में बुध है तो वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को भी इंडिकेट करता है, बुध जो है आपका पैशन क्या है, आपका शौक क्या है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या कार्य करके आपको अत्यधिक खुशी का अनुभव होता है। जब हम अपने शौक से कोई काम करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होती है ना। तो हम एनजीओ से संबंधित कार्य कर सकते हैं, केतु जो है चैरिटी को भी सिग्निफाई करता है, चैरिटेबल संस्थाओं के लिए काम करने का शौक, चैरिटी करने का शौक, ठीक है ना। आप देखिए बहुत फास्ट जो कैलकुलेशंस हैं, बुध और केतु अगर एक साथ हैं तो मैथ्स के अंदर बहुत जीनियस मतलब इंटेलिजेंट हो सकता है इंसान। मार्स और बुध होते हैं तो भी इंटेलिजेंट होता है मैथ्स में, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाता है, इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी हो जाती है, फॉल्ट फाइंडिंग में बहुत तेज होता है साथ में, उसकी निगाह वहीं जाएगी जहां पे गलती होगी। सिक्स हाउस है ना, सिक्स हाउस में केतु भी है एंड मरकरी भी है, ठीक है। फॉल्ट फाइंडिंग, ऑडिटिंग, चार्टेड अकाउंटेंट्स, मंगल सॉरी बुध जो है आपके हाथों को भी सिग्निफाई करता है, ठीक है। और केतु जो है पेन की निब को भी सिग्निफाई करता है, तो इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ अ राइटर, जो इमेजिनेटिव राइटर है, इंट्यूटिव राइटर है,
क्रांति के बारे में लिखते हैं, जर्नलिज्म के अंदर जो लोग हैं, ठीक है ना, वहीं पर अगर हेल्थ वाइज हम देखें तो मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो थायराइड का इश्यू भी देता है, ठीक है ना। बुध जो है सॉरी, बुध जो है वो मित्रों का कारक भी है, केतु डिटैचमेंट है, बहुत सारे मित्र बनेंगे लेकिन जितनी जल्दी दोस्त बनेंगे उतनी जल्दी डिटैच होते भी चले जाएंगे, ठीक है। बोलिए भाई, ठीक हाँ जी ठीक है। है ना। और आप यहां पे देखिए, मैंने त्रिकोण का संबंध समझाने की भी कोशिश की है, जो कई लोगों को 1 5 9 नहीं समझ आता है, तो यहाँ 1 5 9 में कुछ नहीं है, 9 भी आज समझाऊंगा, सब जगह प्लैनेट्स बिठा रखे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सर। फिर आप देखिए, मैंने क्या बोला था कि बुध के ऊपर अगर राहु का शनि का कोई इफेक्ट इफेक्ट आ जाए। आ जाता है तो एजुकेशन में ब्रेक दे देगा, एजुकेशन में ब्रेक लगा देगा। अब आप देखिए, 9th हाउस में है मंगल, यहां पे ये देखिए बुध से नवम में ये प्लैनेट्स हैं, 1 5 9, 9 का कॉम्बिनेशन बन गया, त्रिकोण का संबंध बन गया है, ठीक है ना जी। जी फिर आप देखिए, अब हम बात करें कि बुध के साथ बृहस्पति, ठीक है ना, बुध के साथ अगर बृहस्पति है तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव होगा। बुध एजुकेशन है, हाँ बृहस्पति गाइड है, हाँ विजडम है, गुरु है, टीचर है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, तो ऐसे जातक का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बुध जहां पे होगा वहां आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को भी ढूंढिए, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, गूढ़ विषयों को जानने में, वैदिक स्कॉलरिज्म मतलब वैदिक चीजों को रिसर्च करने में, ठीक है, होल लाइफ लर्नर, ऐसा जो इंसान होता है ना जिसका बुध और बृहस्पति साथ में हो, पूरी जिंदगी सीखता रहेगा, पढ़ता रहेगा, बुक्स पढ़ने का शौक होगा। कई लोगों एजुकेशन छोड़ देते हैं, फिर एकदम से 40 35 में आके बोलेंगे नहीं मैं MBA कर लूं, मैं लॉ कर लेता हूं, कुछ अंदर से उनको अपना पैशन डिस्कवर होगा, ठीक है ना, तो वो स्कूल उस खोल चीज दो की तरफ जाना पसंद करेंगे। सर, वो मरकरी एंड जुपिटर की वजह से होगा ऐसा। बिल्कुल, हाँ होल लाइफ लर्नर है ना वो हमेशा इंस्पायर कर रहा है कि सीखो, पढ़ो कुछ ना कुछ। वो वैसे भी अगर ऐसे जातक के पास कोई अगर डिग्री नहीं भी है ना, कोई इतना बहुत ज्यादा, लेकिन वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है, वो हमेशा लर्निंग के लिए उत्साहित रहता है, वो बुक्स पढ़ता रहता है, हमेशा सीखता रहता है, अपने लेवल पे कुछ ना कुछ वो लर्न कर रहा है, अगर सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं कर रहे हैं, स्टिल द पर्सन इज डूइंग द थिंग्स। तो सर, वो जुपिटर के साइन में अगर मरकरी होगा तब भी ऐसा ही होगा। बृहस्पति का प्रभाव आ गया, फिर इसमें थोड़ी सी चेंज ये होगी, हम इस चीज को, मैं अगर यहां क्लोज करना चाहूं तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि बृहस्पति के साइन में अगर बुध है तो ये चीज होगी, ठीक है। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट ये है कि बृहस्पति के आगे प्लेसमेंट का है, कैसी, वो मित्र ग्रहों में है, दुश्मन पर ग्रहों में है, पाइसिस में तो नीच नीच हो जाएगा ना मरकरी। हो जाएगा, लेकिन आप हमेशा ये नहीं कह सकते हो ठीक है नीच हो जाएगा, उसमें आदमी श्रूड हो जाता है बहुत ज्यादा, पर बुध अगर बृहस्पति पाइसिस के अंदर है तो वो बुद्धू नहीं होगा, बहुत प्लानिंग करेगा, वो जो षड्यंत्रकारी माइंड होता है ना अच्छा, पढ़ने में चालाकी से पढ़ लेगा, शॉर्टकट से पढ़ लेगा। नहीं, कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज्यादा, है ना,
कुछ लोग क्या होते हैं, मतलब प्लान करके, ट्रैप करके, षड्यंत्र बुनने में लगे रहते हैं पूरा दिन, मतलब उनका यही मक्कारी में निकलता है, माइंड ही वैसे चलता है, ठीक है ना? मेरा ये थोड़ा सा हम्म, एक क्वेश्चन ये था कि अगर मरकरी पाइसिस में है तो हम ये कह सकते हैं कि वो किसी को कॉपी करके जा किसी से शॉर्ट ट्यूशन लेके हाँ और वही शॉर्ट में वही जल्दी से पढ़ पढ़े लेगा। पढ़े, फीस पे नहीं की है ना, हाँ पीडीएफ जुगाड़ हो जाएगा जुगाड़ू यार। टाइप, मतलब काम तो वो शुरू ही कर रहा है ना, हाँ जी हाँ जी है ना, वहां से पीडीएफ इकट्ठे कर लिए, वहां से कर लिए, उस क्लास में बैठ के, वहां बैठ के 2 हफ्ते, वहां बैठ के, जी मतलब हाँ पैसे दिए नहीं उसके, किसी के पैसे मार हाँ लिए, किसी का मटेरियल चोरी कर लिया है ना, जी मतलब ऐसे उल्टे सीधे कार्य जैसे कल एग्जाम है किसी इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बैठ के फटाफट पढ़ लिया। है, किसी के साथ कंपटीशन है, वो फर्स्ट आता है, ये सेकंड आते हैं, उसको ऐसे नहीं हरा सकता, उसकी नोटबुक उठा के फेंक दी, पर ठीक है, नो पढ़ ही नहीं पाएगा तो मैं आगे निकल जाऊंगा, है ना, मतलब ठीक है। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में अपनी लर्निंग से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल एक्वायर करता है, कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, जैसे रीजन कुछ भी हो सकता है, मतलब आगे जाके लॉ कर लिया, एमबीए कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कोई कोर्स करने लग गए, एस्ट्रोलॉजी में चले गए, वहां पढ़ने लग गए, वैसे भी आप उसको अपने इंडिविजुअल लाइफ में देखेंगे, वो ऐसे लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक होता है। अच्छा, ऐसे लोग टीचर्स के बड़े चहेते होते हैं, टीचर बड़ा अच्छे से उन्हें ट्रीट करते हैं, समझाते हैं, उन्हें टीचर्स अच्छे मिलते हैं, एजुकेशन में उनका मतलब जो ध्यान होता है, ठीक है। फिर आप देखिए शनि और बुध, बुध आपका कम्युनिकेशन है, शनि आपका काम है, बुध आपकी एजुकेशन है, बुध आपका बिजनेस है, शनि और बुध का कॉम्बिनेशन गुड फॉर बिजनेस, कई बार आपसे पूछा जाए बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, ठीक है, बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं, ड्राइंग बहुत अच्छी हो सकती है, डिजाइनिंग में जा सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन में पुरानी क्या ऐसा चीजों कौन को कलेक्ट करने की आदत होती है, एंटी कलेक्शन, स्टैम्प्स कलेक्शन, पेपर है ना, पेपर और प्रिंटिंग बुध है, शनि कर्म है, शनि पुराना है, बूढ़ा है, जी वृद्ध अच्छा इधर वृद्ध अवस्था का कारक, मतलब इधर हम कह रहे हैं कि सैटर्न से ब्रेक इन एजुकेशन भी है। सैटर्न अगर मरकरी को सैटर्न, देखे आपने इसको थोड़ा गलत रीड किया है, अगर मैंने बोला कि मार्स और मरकरी हो, मरकरी और केतु हो, मार्स मरकरी केतु हो, या मार्स मरकरी के ऊपर फिर थर्ड पार्टी शनि भी इन्वॉल्व होगी, तब ब्रेक आएगा। ठीक है सर है ना, आपने क्या किया, मैंने उस सुबह अच्छे से कम्बिनेशन देखे में हाँ शनि को ऐड कर दिया, मंगल जी और केतु को हटा दिया, हटा दिया। हाँ है जी ना, सर तो ये चीजें मतलब आप दे सकते हैं, लेकिन अगर बुध और शनि साथ में है तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंसी का जो है वो इशू भी जी आता है, अगर मेल के हॉरोस्कोप में, ठीक है, स्पेशली अगर उनका संबंध जो है 12th हाउस से बन रहा है या 7th हाउस से बन रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये या संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम हो गया, इम्पोर्टेंसी, क्योंकि दिल से बूढ़ा हो गया ना, हाँ जी पैशन नहीं है, पैशन एरिया ऑफ इंटरेस्ट मरकरी है, वहां सैटर्न हो गया, अब बुजुर्गों वाले इंटरेस्ट हैं उसके, है हाँ ना, रोमांस की कमी है, मतलब इन अ यंग एज समबडी इज वेरी मेच्योर, वो मेच्योर वाले पैशन चीजें हैं, तो रोमांस की कमी भी आ सकती है ना, फिर वो एक मैस्कुलिन स्ट्रेंथ को कम भी कर सकता है, तो रीजंस हो सकते हैं आप उनको मतलब और डीप में जाना चाहें, है ना। 7th और 12th हाउस, 7th हाउस यहाँ पे और प्रोमिनेंट हो जाएगा बाय बिकॉज कि ये काम, मतलब 7 तो काम त्रिकोण का आ गया, आपका मिलना, आपके रिलेशंस, एनीबॉडी इन फ्रंट ऑफ यू,
ठीक है, 12th बेडरूम प्लेजर्स हो गए, तो वहां पर अगर ऐसे कोई कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो ये डेफिनेटली वहां पे जो रोमांटिक पार्ट ऑफ द लाइफ है वहां वीकनेस को शो करेंगे, ओके, ठीक है ना। तो लेकिन किसी और जो, हाउस में होगा तब हमें इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, हाँ जी, किसी और हाउस में होगा सेकंड थर्ड फोर्थ में तब हम ऐसा नहीं बोलेंगे। हम ऐसा देख सकते हैं। और हाँ भी ताकि ऐसे अगर प्लैनेट्स हों जो कि इन चीजों को नेगेटिव की तरफ लेके जाए, सपोर्टिंग प्लैनेट्स होंगे तो ठीक है, मतलब मेच्योर थिंकिंग होगी, लेकिन फिर भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, पैशन जो है, शौक जो है, आप शौक से जो चीजें करते हैं हाँ ठीक है, मतलब उसको अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है तो इट्स ओके, शादी की बच्चे हो गए हैं ना, बट ही इज नॉट द पर्सन और द मतलब नेटिव मेल और फीमेल मे नॉट हैव वेरी मच इंटरेस्ट, ओके है ना। साथ में कोई मस्कुलिन प्लेनेट है जैसे मार्स और मरकरी ही है, 7th हाउस में है, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही है उसका रिलेशंस, उसको शादी करवाने की बड़ी जल्दी रहेगी, बोला शौक क्या, बोला शादी हो जाए। ऐसे लोग हैं, देयर 12th हाउस से संबंध है मरकरी का और इसका, तो वीनस है ना, तो ऐसी चीजें इन्वॉल्व है, सोते समय ही विल थिंक लॉट अबाउट सेक्सुअलिटी, ड्रीम्स है ना आपके, आपके ड्रीम्स भी, आपका सोने के समय में थिंकिंग पैटर्न क्या है, उसको सपने भी वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो सैटर्न कर्मा है, बुध जो है कम्युनिकेशन है, ट्रैवलिंग भी है, बुध अगर अ थर्ड हाउस जो होता है शॉर्ट ट्रेवल्स का भी होता है, तो पर्सन मे बी वर्किंग इन अ रेलवे और पोस्ट ऑफिस, ठीक है, बुध से रिलेटेड कार्य, हैंडराइटिंग लिखना, क्लैरिकल। शनि जो है वो सबॉर्डिनेट्स को इंडिकेट करते हैं, सिग्निफाई करते हैं, बुध जो है राइटिंग है, तो क्लर्क है, ओके सर, शनि क्या करता है? सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स को इंडिकेट करते हैं, कॉर्डिनेट श्रमिक, श्रमिक सबॉर्डिनेट। क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं ना शनि, समझ गए। वेरी ठीक है। कल्पा। अगर आप देखिए कि शनि के साथ, शनि और बुध के साथ राहु और केतु का इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो यहाँ लैंडेड प्रॉपर्टीज में भी इश्यू हो सकते हैं, लीगल मैटर, हमने कल भी ये चीज डिस्कस की थी, लीगल मैटर्स हो सकते हैं, या इंसान को लीगल मैटर्स की नॉलेज हो सकती है, उसकी स्टडी लीगल मैटर से रिलेटेड हो सकती है। शनि और बुध इज वन ऑफ द सपोर्टिव कॉम्बिनेशन की जातक जो है बिजनेस करेगा, ठीक है ना। थर्ड हाउस का लॉर्ड, थर्ड हाउस आपके इनिशिएटिव को दिखाता है, एक चीज और नोट कीजिए, थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है 7th, 11th और 12th के साथ हो तो बिजनेस की इंडिकेशन दिखाता है, क्योंकि 12th हाउस है ना आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और बुधवार साथ में आ गया, बुध ना मल्टीप्लायर है, बुध जो है मल्टीप्लायर है, सर किस किस का लॉर्ड बताया आपने? थर्ड, सेवन, टेंथ, इलेवन और थर्ड, ट्वेल्थ। 7th, 11th और 12th का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो, थर्ड का लॉर्ड 7th में हो, थर्ड का लॉर्ड 12th में हो, इन्वेस्ट, क्योंकि 12th हाउस इज द हाउस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, हाँ जी। इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा। बुध जो है मल्टीप्लायर है, मल्टीपल बिजनेस दे सकता है, ठीक है ना। अभी आप देखिए, हम फिर वहां पे वापस चले जाएंगे, अभी आप देखिए कि जब मैंने सैटर्न को दिखाया तो मैंने सैटर्न को सेकंड हाउस में दिखाया बुध से, ये चीज क्लियर हुई कि 1, 5, 9 और सेकंड में मैं कैसे बोलता हूँ, बृहस्पति जो है वो 7th में है दिखाया मैंने, मैं कहीं और भी दिखा सकता था बट मैं कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपके कॉम्बिनेशंस भी साथ साथ क्लियर होते चले जाएं, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम कॉम्बिनेशंस को काउंट करते हैं, ठीक है।
देखिए, चंद्रमा के साथ अगर बुध होता है तो, या चंद्रमा के घर में अगर बुध होता है तो बुध के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, ठीक है। आप ये उसको इंडिकेट कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा ट्रैवलिंग है, कि एजुकेशन के लिए ट्रैवल करना, एक गांव से शहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। जब चंद्रमा और बुध साथ में हैं तो जातक के काफी स्कूल्स और कॉलेजेस जो है ना चेंज होते हैं, 3 4 5। रीजन क्या है, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स ट्रांसफर की थिंकिंग जो है ट्रांसफर भी हो सकती है। पेरेंट्स सोचते हैं ये स्कूल अच्छा नहीं है, कुछ देर वहां पढ़ा, वो स्कूल अच्छा नहीं है, कुछ देर वहां पढ़ा, ऐसे हो सकता है। फिर चंद्रमा और बुध अगर साथ में है तो ये इंडिकेट करेगा कि आप अपना फील्ड ऑफ एजुकेशन भी चेंज कर सकते हैं। पहले मेडिकल था, फिर आर्ट्स कर लिया, आर्ट्स था इंटर आर्ट्स कर लिया, कॉमर्स था आर्ट्स में आ गए, आर्ट्स था कॉमर्स में चले गए, नॉन मेडिकल में थे फिर बायो कर ली, उसके बाद मेडिकल लाइन में चले गए। मतलब अलग अलग चीजें हैं ना, ठीक मेरे साथ है। हुआ है, हैं जी, मेरे साथ हुआ है सर। ठीक है। आप देखिए बुध और चंद्र का कॉम्बिनेशन देखिए, चेक करें, हाँ हाँ मेरे साथ हुआ है सर। ठीक है। सर इसका मतलब ये बड़े होके फिर बिजनेस भी करेंगे, मर्करीज फूड बिजनेस बिजनेस भी करेंगे रिलेटेड बाद में, बिजनेस, फूड बुध रिलेटेड बिजनेस। चंद्रमा की हाँ बात कर रहे हैं, पहले हमने जो प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए बात की थी वो शनि और बुध था, बुध बुध की थी। अभी कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है, चंद्रमा और बुध हो गया है। माइंड जो है, ब्रेन जो है उसका, मतलब चेंजेस आ रही है, एजुकेशन, फ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, अच्छा मल्टीप्लायर है, फीमेल्स जो हैं वो बहुत मल्टीप्लाई होती हैं उसकी लाइफ के अंदर, ओके ठीक है। बुध फ्रेंड्स का कारक है, चंद्रमा बड़ी उम्र की औरतें हैं, है ना, तो अच्छा उसकी दोस्ती अपने से बड़ी उम्र की मेच्योर लेडीज के साथ है ना। और कई बार अगर और मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो बड़ी उम्र की लेडीज की वजह से आसक्त होके जातक के साथ चीटिंग हो जाती है, अच्छा जैसे राहु आ जाए कहीं कोई भी त्रिकोण में, प्रॉब्लम हैं क्रिएट हो जाए, जी, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती नहीं चीटिंग हो जाएगी। चंद्रमा चीटिंग भी है, फीमेल भी है, बुध फ्रेंड भी है, फीमेल फ्रेंड जो कि एज थोड़ी एज में बड़ी है या ज्यादा भी बड़ी हो सकती है, और वहां वो ल्यूक्रेटिव चीजों में जाके मतलब ट्रैप हो जाए और उसके साथ चीटिंग हो जाए, है ना। अगर अच्छा इन्फ्लुएंस आ जाता है तो बड़ी उम्र की जो मतलब जो लेडीज हैं वहां से उसको कोई ना कोई हेल्प मिल जाए, कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाए, ठीक है ना। तो इस, आप देखिए यहां पर सोचने वाली बात ये है कि आप ये चीज को देख सकते हैं कि इसके साथ ये जा रहा है तो ये चीज हो रही है ना। लेकिन किस तरीके से चीजों में अंतर आ रहा है, किस तरीके से चीजें प्रेडिक्शन की तरफ जा रही हैं, उसके ऊपर भी हम ध्यान दें, ठीक है। सर एक बताना है आपको, मेरे पास एक ऐसा हॉरोस्कोप है जिसमें लड़के की कुंडली है, यंग लड़का है, उसका वर्गो में मून अच्छा, बट विद जुपिटर हाँ है, तो उनके साथ ये बहुत हुआ है कि उनके पीछे कोई बड़ी लेडीज पड़ जाती तो है, ये है। आप लेकिन एक वो देख, हाँ हेल्प भी करती है, मतलब जुपिटर भी है साथ में, मून जुपिटर वर्गो में। वर्गो इटसेल्फ इज अ मतलब बुध का ही साइन हो गया है ना। हाँ अभी तो आप आपने देखिए उनका अभी बोलता बुध ना का, क्या अभी बुध आप देखिए बुध कहाँ गए हैं, उससे थर्ड हाउस में बैठा है, स्कॉर्पियो में, वर्गो में अभी अभी आप देखिए बड़ी उम्र है। की औरत है जो बुध जा चला गया स्कॉर्पियो के अंदर, है ना। स्कॉर्पियो इज अ हाउस ऑफ सीक्रेट एक्टिविटीज, वो चीजें प्राइवेट पार्ट्स भी है ना,
सीक्रेट है, जो चीजें वी कैन नॉट डू इन फ्रंट ऑफ अदर्स और इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, सीक्रेट एक्टिविटीज। बुध वहां पर चला गया, ठीक है, लेकिन चंद्रमा जो है वो बुध जो है वो स्कॉर्पियो वाली एनर्जी लेकर बैठा है, और चंद्रमा वर्गो में है, बुध के साइन में है ना, वहां उसके साथ बृहस्पति है। अभी आप देखिए कि जेमिनाई में, जेमिनाई खाली है सर। खाली है, तो आप यहां पर देखिए ना कि बुध अगर मंगल की एनर्जी लेके बैठा है, स्कॉर्पियो वाली एनर्जी लेकर बैठा है, तो वहां पर वो चीज जो है जेमिनाई में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। बुध में मंगल की एनर्जी आई है, लेकिन कौन सी वाली, स्कॉर्पियो वाली, है ना। तो इन चीजों में वो लड़का भी पैशनेट है कहीं ना कहीं, घर वाले नो, मतलब कोई नेगेटिव, बहुत कम लोग होते हैं जो सामने से फ्रंट मतलब आगे आके चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि यस हमारा बच्चा भी ऐसा है, या मैंने ये चीज की है, अगर वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव को सब हाँ 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 करते रहेंगे। वहां लेकिन मर्क्यूरी केतु है, वहां पे स्कॉर्पियो में मर्क्यूरी और केतु है। है ना, इन्फेक्शन इसको यूरिनल प्रॉब्लम्स भी होंगी। हो 8 नंबर। हाँ उसको है थोड़ा सा। और उनका अपने से बड़ी लड़की लेडी के साथ मतलब 1-2 साल बड़ी से अफेयर था, लेकिन ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया क्योंकि वहां पर उसको ओके okay. कोई सपोर्ट नहीं मिलती। बुध और केतु हो तो ये लव मैरिज का भी सीन चलता है, लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़गी तो ठीक है, तो लव मैरिज हो भी सकती है। अगर नहीं मतलब ऐसा कुछ सपोर्ट मिला तो वो ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। लव अफेयर्स को भी सिग्निफाई करता है बुध, बुध और मंगल और बुध हो तो अपने ही नोन सर्कल में से फ्रेंड लव सर्कल अफेयर से। चलता है, और वो मतलब हस्बैंड अपनी नॉन सर्कल में से ओल्ड फ्रेंड हो सकता है, नॉन सर्कल में लव अफेयर चलता है, लव अफेयर दे देता है, फिर वहां पे देखिए कि आपको सपोर्ट आ रही है, बृहस्पति प्रोटेक्ट करते हैं ना हर चीज को। सर आपने ये बुध बुध और केतु का बताया ना, लव अफेयर का। केतु में भी है, मंगल में हाँ भी ये चीज मंगल। होगी। अच्छा सर एक और चीज आपने जो बताया, मंगल बुध केतु का यदि 5th हाउस में हुआ तो प्रॉजनी में प्रॉब्लम, हाँ और 12th में हुआ तो बेडरूम प्लेजर में प्रॉब्लम। वहां पे दृष्टि भी देखिए ना, अगर बृहस्पति की नहीं कोई नहीं दृष्टि दृष्टि आ रही है, अभी केवल बृहस्पति की कोई कॉम्बिनेशन। सपोर्ट आ रही है, हाँ अगर नहीं, अगर हाँ हाँ तो 12th हाउस में है तो दिक्कत होगी। दिक्कत, दृष्टि नहीं, दृष्टि हुई तो वो कम हो जाएगी। वेन द नाइट अराइव्स एंड दे मीट ईच अदर इन देयर बेडरूम, फाइट किसी न किसी चीज को फाइट लेके वो रोमांस खत्म हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा, फाइट हो जाएगी। हाँ सर ये पूछ, ठीक है सर। है ना। और उसमें फिजिकल असॉल्ट भी हो सकता है, हाथ पैर बेलन शेलन डंडा शुन चल जाए, है ना, क्योंकि मंगल केतु बहुत गुस्सा बहुत ज्यादा कर देता है और क्रूरता बहुत बढ़ जाती है। ठीक है सर। अगर मंगल अच्छा, गैस्ट्रो का लगन उस है अगर, कंडीशन में सुनिए, उस कंडीशन के अंदर आप देखिए कारण पता क्या होगा, जलन, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा आपके साथ तो वो खड़ी थी, अच्छा आप तो उसके चक्कर में हो, अब ये बात शुरू हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पत्नी को जलन हो रही है, या पति को, पति के साथ भी हो सकता है, पति आप उससे बात कर रहे थे, बड़ी हंस के बात कर रही थी, अब है कुछ नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी वजह से, मंगल केतु दोनों की वजह से। ठीक अच्छा है ना, वो चीज आ गई ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जलन की वजह से। केतु वो जलन है जो दिखती नहीं है, अंदरूनी जलन, सर अगर केतु 12th हाउस जेलेसी में का हुआ तो कारक, किसी ने पूछा था जेलेसी का कारक कौन सा, पता नहीं किसने कमेंट किया था, केतु हो गया। ठीक है ना। सूर्य मंगल ये भी जलन दिखाते हैं, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष वो है, कोई जल गया फायर की वजह से, है ना। ऑथोरिटी केतु, वाला केतु जलन। बोला, केतु को डिस्क्राइब किया है कि जैसे कोई कीट या बिच्छू ने डंक मारा हो, उस समय जो जलन होती है, उस तो तरह वो का। केतु जनित है, ठीक है, जेलेसी है, कुछ नहीं है, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होनी है, क्यों होनी है,
वो उससे हंस के बात कर रही थी, वो उसके साथ खड़ा था, बस दोनों उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और हो गया बंटाधार दोनों का। ठीक है ना। बुध और शुक्र, ठीक है, शुक्र जो है आपके गालों को भी सिग्निफाई करता है, ठीक है, बुध और शुक्र एक साथ होंगे तो उसकी चीक्स बहुत खूबसूरत होती है, रेडिएंट फेस होता है। बुध जो है यंग है, बालक है, किशोर है ना, तो ऐसा जो जातक या जातिका है वो अपनी उम्र से यंग लगता है, उसका फेस बड़ा चाइल्डिश फेस होता है, डिंपल्स पड़ना, ठीक है ना, बहुत यूथफुल लगता है। अगर आपने किसी को ये चीज कॉम्बिनेशन देखी है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप तो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, यंग लगते हैं। 40 का होगा, 30 का लगेगा, 30 की लगेगी, मतलब इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर लेडीज, है ना। जो वो बोलते हैं ना कि उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए, और वैसी यंग लग रही हैं आप, समबडीज ऑफ 40 एंड बोले आप तो मतलब 25 के लग रहे हो, तो खुशी हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। इट इज विद एवरीवन, ठीक है, यंग यूथफुलनेस देता है। वैसे भी शुक्र जो है वो एक लग्जरी और खूबसूरती का कारक है ना, उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत होंगी बुध शुक्र वाले, ठीक है। अगर बुध जो है लगन में है, बुध जब सप्तम में है, सप्तम में भी शुक्र की एनर्जी से कहीं ना कहीं संबंध बना लेता है, या सेवंथ लॉर्ड के साथ है, तो जातक भी, जातक या जातिका जो भी है वो यंग लगेंगी, अपनी एज से यंग लगेंगी, और मतलब वो काफी एज तक चाइल्डिश फेस के साथ, मतलब उनको ऐसा लगे, है ना, मैं समझ रहे हैं व्हाट आई वांट टू से। समझ। अच्छा एक चीज और है, बुध के साथ शनि होना जातक की ऑयली स्किन होती है, तेल का कारक शनि है ना, ऑयल्स का, बुध स्किन है, तो जब दोनों कंबाइन होंगे तो ऑयली स्किन हो जाएगी, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होगी। एनजीओ वाला भी हो गया है, ठीक है। सूर्य जो है वो बुध के साथ आमतौर पे देखे जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हॉरोस्कोप के अंदर सूर्य की डिग्री ज्यादा हो, बुध की कम हो, तो वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बुध जो है वो हमेशा बालक जो है, मतलब राजकुमार राजा के कंट्रोल में रहना चाहिए, सूर्य जो है बुध को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने बोली थी कि जो बुध है वो मल्टीप्लायर काफी है ना, बुध जो है वो कैटलिस्ट भी बोला गया ना बुध को, हाँ जी टाइम बोलिए, बुध जो है वो कैटलिस्ट भी बोला गया ना। आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, गलत सही कुछ भी सर, रिस्पॉन्ड कीजिए, है ना, यस सर। मल्टीप्लायर और कैटलिस्ट, इसमें कुछ समानता नजर आई आपको, कॉमन क्या है? दोनों साइंस का चीज कोई स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे। हाँ, सर, चीजों को दोनों आगे बढ़ाएंगे। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, किसी भी रिएक्शन को तेज या स्लो कर देता है, ये प्रॉपर्टी होती है कैटलिस्ट, तो हम कह सकते हैं ये मल्टीप्लायर वहां से निकला है। सूर्य जो है कहीं ना कहीं आपकी डाइजेशन से, जठार अग्नि से संबंधित है, बुध अगर सूर्य के साथ होता है तो बोला कंट्रोल में रहता है, ठीक है, कैटलिस्ट उतना ही काम करेगा जितना कि रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा चीजों को आयुर्वेद बॉडी से, इन चीजों से जोड़ना जोड़ना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग वो मेडिकल का कोर्स हो रहा है जी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का हो रहा है, फलाना ढिकाना, अब ये चीजों को आप खुद ही अगर जोड़ेंगे तो हर आप मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होगी आप, है ना,
बुध जब सूर्य से इधर उधर होता है, आगे पीछे होता है, सूर्य के साथ अगर नहीं होता, आप देखिए ऐसे जातक को पेट से संबंधित बीमारी कभी ना कभी जरूर होती है, डाइजेशन वीक हो जाता है, या तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहेगा या बहुत स्लो रहेगा। ज्यादा दूर होगा सूर्य से तो स्लो हो जाएगा। वो कंट्रोल में नहीं रहता, इसको आप ऐसे लेंगे कि जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ही बुध अपनी मनमानी करेगा। अब स्लो भी हो सकता है, ठीक है, फास्ट भी हो सकता है, पाचन कम हो, पाचन धीरे हो जाएगा, पाचन धीमा डाइजेशन। हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिज्म इसको आप इतना सिंपल नहीं ले सकते, पाचन धीरे हो जाएगा, पाचन मतलब तेज हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म जिसका फास्ट होता है उसको बोला जाता है कि थोड़ा थोड़ा खाइए, ज्यादा बार खाइए, उसमें बैलेंस रहने चाहिए, ये चीज ना तो तेज हो बहुत ज्यादा या ना बहुत ज्यादा स्लो हो। ठीक है, जो आप खा रहे हैं वो चीज को आप प्रॉपर पचा नहीं पा रहे, जब वो पचेगी नहीं आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो अलग अलग बीमारियां लगेंगी। आयुर्वेद सेज कि जब पेट खराब होता है तो 100 बीमारियों की जड़ होता है, जी ये बहुत दिल से गहरी ज्यादा बात है। इन जो हम बातें करते हैं ना, ये चीज हर चीज बुक में लिखी हो, आप लोग रिसर्च कीजिए, मतलब देखिए ये जो बात हमने डिस्कशन यहाँ पे मतलब की, वो कहीं हम पॉइंट पे छोड़ देते हैं उसको, है ना, फिर आप अपने अपने उसमें रिसर्च में देखिए, उसको लगा के पढ़िए, कुछ निकालिए, तभी आप डेवलप होंगे। नहीं डिपेंडेंसी तो मेरे पे आप कम कर दीजिए। नहीं, आपने ये जो बोला ये बिल्कुल सही है, पाचन कम हो जाता है, गड़बड़ ये मैंने सुना कर है, देता गड़बड़ है, फास्ट फूड हो जाता है। पहले या जो ठंडे भोजन करने वालों का भी डाइजेशन खराब रहता है। बिल्कुल, हमने कल बात की थी ना मंगल राहु के हाँ कॉम्बिनेशन वाली, कुछ ऐसी हमारी डिस्कशन चली थी, है ना। हाँ कल चल रहा था ना, इसलिए कि पुराने लोग कहते थे ठंडा नहाओ गरम खाओ, बिल्कुल, देखिए जो ठंडा और आप रहावे गरम देखिए, खाए उसके घर वैद ना आवे। आप एक चीज देखिए कि अगर आप मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है, उस टाइम पे आप ठंडी चीजें खाना कम कर दें तो आपका जो डाइजेशन है वो काफी हद तक ठीक रहे। ठीक सूर्य ढलने से पहले खाना खाएं, आपको डायबिटीज नहीं होगी, आपका डाइजेशन, क्योंकि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमेशा काम करते रहते हैं, उनको एक लंबा समय मिलता है, थोड़ा रेस्ट भी उसमें उनको मिल जाता है। हमारे हम हमेशा अपने डाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा लोड देके रखा हुआ है हम लोगों ने आज के युग में, ठीक नहीं है जी। तो अभी अभी जो हमारे जैन भाई लोग हैं उनका वही सिद्धांत है, सूर्यास्त के तहत तक वो अपना भोजन कर लें। देखिए ये चीज ठीक है, ये चीजें ना हर मत के अंदर हर जगह दी गई हैं, फॉलो कितने लोग करते हैं, पॉइंट इज दिस, जिसका आत्मबल हो वही कर पाता है। बहुत कम लोग करते हैं। सर आपने ये कहा है कि जो मर्क्यूरी है वो अगर पीछे